तो भाई साहब ये देख लो नेपाल की बसों के हाल। नेपाल का हाल बहुत बुरा हाल है। अच्छा, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये हाइस इसको बोलते हैं, यहाँ पे चलती है। आपको नेपाल की सड़कों पर ना यही दिखेंगी, मतलब लगभग वो 80-90 लाख की गाड़ी होती है। और ये बस को भाई साहब 1 घंटा हो गया चलने का, नाम ही नहीं ले रही यार। भाई साहब खचाखच भर गई है बस। अच्छा बारिश हो रही है तो भाई गाड़ी रुकी है सामान वामान बांधने के लिए। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। कल रात को हम लोग यहीं रुके थे। पीछे जो आप ये होटल देख रहे हो ना, पोखरा गेस्ट हाउस, यहाँ पे हम लोग रुके थे। और अभी का हमारा प्लान क्या कि हमको महेंद्रनगर छोड़ के किसी और सिटी में जाना है। मतलब नेपाल का जो महेंद्रनगर है वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे इंडिया से लोग प्रोस्टिट्यूशन के लिए आते हैं। काफ़ी सारे लोग हमें भी मिले थे जिन्होंने हमको ऑफर किया, लेकिन अपन लोग तो सख्त है ना, और अपन लोग इसके लिए आए नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा भी होता है महेंद्रनगर में। और यहाँ पे महेंद्रनगर जो फेमस है, एक तो प्रोस्टिट्यूशन, दूसरा यहाँ पे एक ओबेरॉय करके, ओपेरा करके एक होटल है जहाँ पे कैसीनो चलता है। मतलब यहाँ पे लोग जुआ वगैरह खेलने आते हैं इंडिया से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ओपेरा होटल में ना नेपाली अलाउड नहीं है, नेपाली लोग नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेपाली को कंगाल नहीं करना है, इंडियंस को कंगाल करना है। तो इंडियन लोग यहाँ पे आते हैं और अपना काफ़ी पैसा हार के जाते हैं, जीत के भी जाते हैं, लेकिन 90% लोग हार के जाते हैं। कल हम लोग वहाँ पे जा रहे थे लेकिन कैमरे के साथ वहाँ पे ना एंट्री नहीं थी, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। तो भाई महेंद्रनगर से हम सबसे पहले निकल रहे हैं अतरिया से ना। हम लोग सोच रहे हैं इस बार ना, क्योंकि लास्ट टाइम हम ना नीचे बॉर्डर के साइड गए थे, इस बार हम सोच रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाएँ, मतलब नेपाल में ना माउंटेंस की तरफ को जाएँ। तो इस बार अपना जो ट्रैवल रहेगा ना नेपाल में, माउंटेन्स की तरफ रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको संतला। भाई अभी ना बस रुकी थी एक जगह पे सवारी बिठाने के लिए, तो वहाँ पे मैंने संतरे ले लिए। और एक बार नई चीज़ पता लगी कि यहाँ पे संतरे को संतरा नहीं बोलते हैं, संतला बोलते हैं, लाल लट्टू। अब मैं बड़ी कंफ्यूज हुआ यार, जब मैंने बोला आंटी ये क्या रेट दे, कह रही संतला। मैं कहा संतला नहीं संतरा, कह रही नहीं संतला। मुझे लगा पहले आंटी के ना जुबान फिसल रही है, लेकिन सारे लोग संतरा ही बोल रहे थे इसको। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो भाई लोग हम ना अतरिया पहुँच गए। अब हम ना ये सोच रहे कि यहाँ से ना माउंटेन्स की तरफ चलें, ऊपर की तरफ हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ट्रैवल किया था ना, तो ये जो रोड है ऐसा सीधा सीधा जाता है, पूरे नेपाल में ये रोड निकल रहा है, नेपाल का मेन हाईवे ये। तो लास्ट टाइम हमने इस रोड पर ट्रैवल किया था, इस टाइम हम सोच रहे हैं कि ना ऊपर की तरफ ट्रैवल करें, माउंटेन्स की तरफ। और माउंटेन्स में काफ़ी सारे गाँव वगैरह मिलेंगे, तो इस बार हम रूरल, क्या बोलते हैं, ग्रामीण नेपाल देखने का चाह रहे हैं, ग्रामीण नेपाल देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे एक बस खड़ी है, वो जाएगी पहाड़ों की तरफ, तो उसी से चल रहे हैं। तो भाई अभी बस के निकलने में ना काफ़ी टाइम है, तो अभी हम एक रेस्टोरेंट पे आ गए, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, बस संतरे ही खाए हैं, जिसको संतला यहाँ पे बोलते हैं। तो एक पीछे एक रेस्टोरेंट में आए, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। तो भाई ये क्या मंगाया ब्रेकफास्ट में रोहित, क्या ये? छोले तो भाई साहब ऐसे भर के दिया है, मतलब एक समोसा इसमें और इतने सारे छोले भर के दे दिए। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपसे गलियों पे मिलते हैं फिर सीधा दोबारा से। समोसे तो काफ़ी सही थे यार, काफ़ी टेस्टी बना रखे थे आपने समोसे। तो अब समोसे के बाद ना जलेबी और थोड़ा रबड़ी खाते हैं, क्योंकि मिर्ची लग गई भाई, काफ़ी स्पाइसी चटपटा खाना बनाया हुआ था भाई, मज़ा आ गया। तो भाई हमको ना यहाँ से पहाड़ का रूट पता करना है कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से घूमने की जगह है। तो यहाँ पे कुछ नेपाल के लोग मिले हैं लोकल, इनसे बात करते हैं, फिर से रिटर्न आगे, नहीं तो वही डणेंद्रा इस साइड पड़ गया, डणेंद्रा एक जिला हुआ, उसके बाद आपको डणेंद्रा से बैतड़ी पाटन जाना हो तो वहाँ भी घूम सकते हो। और कौन धारचूला तो अच्छा ऊपर पड़ गया, वो तो लास्ट हो गया बॉर्डर, वो बॉर्डर हो गया। तो भाई साहब धड़ेल धुला के यहाँ से कोई बस तो इस टाइम पे नहीं है, बस होती है वैसे, लेकिन अभी कोई नहीं लगी हुई है, वो काफ़ी लेट चलेगी। और अभी 1:40 हो रहा है, मतलब 1.5 घंटे बाद, लगभग 1 घंटे बाद चलेगी। और जो बस का किराया है वो 550 रुपये है, और हाइस का किराया 500 रुपये है। चलते हाइस में ही चलते हैं, चलो। और हाइस थोड़ा फास्ट भी चलती है, थोड़ी प्रीमियम टाइप की यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है ना यहाँ पर वो हाइस में ही होता है। अभी आपको दिखाते भी हैं, लगभग वो 80-90 लाख की गाड़ी होती है। तो भाई वो भाई ने ना काफ़ी अच्छी अच्छी जगह में बता दी, यही फ़ायदा होता है कि लोकल से बात कर लिया करो जब भी ट्रैवल पे जा रहे हो। तो उन्होंने मेरे को 3-4 लोकेशन बता दी। तो सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं ऊपर धड़ेल धुला करके एक जगह है नेपाल में, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मतरिया के बस स्टेशन पे आ गए, यहाँ पे पता कर लेते हैं कि धड़ेल धुला के लिए बस किस टाइम जाएगी और कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर हैं भैया, धड़ेल धुला के लिए बस हाइस बस नहीं है। तो भाई जी धड़ेल धुला के लिए हमको गाड़ी मिल गई है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये हाइस इसको बोलते हैं, यहाँ पे चलती है, देखो
कोटा की, आपको नेपाल की सड़कों पर यही दिखेंगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे ऑटो वगैरह यहाँ पे टुकटुक वगैरह तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे ये हाई चलती है ना भाई, है यार पानी मेरे पास देख। तो चलते हैं यहाँ से, मतलब वैसे बस भी है लेकिन बस को भी टाइम है, एक डेढ़ घंटे बाद चलेगी और ये भी तुरंत चल रही है और ये फास्ट भी चलती है और सेम किराया है, तो इसी से चलते हैं। अपनी ना इंडियन करेंसी एक्सचेंज करवा लेते हैं क्योंकि अपने पास ना नेपाली करेंसी बिल्कुल भी नहीं है, सारी इंडियन करेंसी है। यहाँ पे तो अभी चल रहा है, यहाँ पे सारे लोग ले रहे हैं, हो सकता है हम आगे की तरफ जा रहे हैं माउंटेन्स की तरफ, वहाँ पे लोग ना लें। जी इंडियन करेंसी एक्सचेंज कर लेंगे? नहीं, इंडियन करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी? नहीं भाई जी, इंडियन करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी? अरे बस को भाई साहब एक घंटा हो गया चलने का, नाम ही नहीं ले रही यार, इसके अच्छा तो वाली बस चल जाती। अभी पीछे ही शॉप थी, वहाँ से मैंने नेपाली करेंसी एक्सचेंज करवा ली। वैसे मैं रैंडम मैंने कम से कम 10 बार दुकानों पे गया, सबने मना कर दिया, तो एक दुकान पे था उन्होंने मेरे को दे दिया, तो मैंने 5000 रुपये चेंज करवा लिए, 5000 का 8000 मेरे को मिल गया। तो आप बैठे हो कौन? कौन बैठा है? यू भाई, भाई ला जाओ भाई साहब, खचाखच भर गई है बस, हिलेगा नहीं ना। अच्छा ये कह रहा भाई हिलेगा नहीं, सील पैक हो जाएंगे सारे, बैठो बैठो इनसे सुन लो भैया, भाई जिंदाल को बैठाओ, जिंदाल कह रहे हैं। एक और बंदा बैठाने के लिए कह रहे हैं। चल रहा है भाई? तो भाई साहब ये देख लो नेपाल की बसों के हाल। नेपाल का हाल बहुत बुरा हाल है। अच्छा कौन सा पाल है ये? तो नहीं है, देखो हाँ गाड़ी पे डालने वाला ऊपर है त्रिपाल। भाई साहब ये पाल पाल बोल रहे, पाल निकाल दो। तुम कह रहे कोई आदमी तो नहीं बस के नीचे? आंटी एक खीरा कितने का है? 10 रुपये का देना, एक नमक लगा के दोगे ना? अच्छे से लगा देना। एक बोला हूँ नेपाल का बहुत पुराना म्यूजिक है। अच्छा सारंगी बोलते हैं इसको? वो भी आता बजा थैंक यू, बहुत अच्छा बजा रहे हो आप। भाई साहब इस बस में जो भैया गाना बजा रहे हैं ना, हम दोनों को छोड़ के हर कोई इंजॉय कर रहा है क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है, बाकी सबको समझ में आ रहा है, तो बाकी सब चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, मजा आ रहा है। मौसम बड़ा मस्त हो रहा है यार, अभी ना बॉर्डर करके एक जगह है और यहाँ पे ना बारिश हो रही है, तो भाई गाड़ी रुकी है सामान वामान बांधने के लिए क्योंकि सबका सामान ऐसे खुला पड़ा था, सारे लोगों का सामान ऊपर रखा हुआ है, हमारा भी बैग ऊपर ही रखा हुआ है सारे उसमें भाई सामान में, बहुत अच्छा हुआ मैंने अपना लैपटॉप वाला बैग भी रखा नहीं, अभी तक तो भीग के ऐसी ऐसी हो गई होती बैग की। और ये देखो कुछ ऐसा दिखता है नेपाल का, एक काफ़ी इंटीरियर में हम आ गए, ये बॉर्डर करके कोई जगह है। तो भाई यहाँ पे देखो कुछ इस तरह की दुकानें हैं, ये कितने का है? 20 का। फक 4 घंटे बाद ना हम ये शौले करके एक जगह है, और भाई साहब ये तो ना ऐसे लग रहा है कि लद्दाख का कोई पास हो, भाई साहब यहाँ पे काफ़ी ठंडा है इस टाइम पे, और बीच में ना अभी लद्दाख मतलब अभी जब हम आ रहे थे तो बीच में काफ़ी एक हाई पीक पड़ी थी, वहाँ तो इतना ज़्यादा कोहरा था ना, बत्ती बन गई थी कसम से, हम तक कुछ भी कपड़े लेके नहीं आए, लेकिन यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है, आपको दिख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे लोग ना सारे लोगों ने यहाँ पे ना ठंड के कपड़े पहने हुए, और हम तो कुछ लेके नहीं आए, और अभी हमको जहाँ जाना है ना वहाँ पर तो और ठंडा होगा, अभी यहाँ से लगभग हमको 3 किलोमीटर और दूर जाना है। देख लो मैं कहाँ पर हूँ भाई, बोलते यहाँ पे ऑटो है, और यहाँ पे भाई पहाड़ों में ऑटो चल रहे हैं, कमाल की बात है। नहीं मैं तो सोच रहा हूँ यहीं रुक जाते हैं, यहाँ से ना 5 किलोमीटर उधर एक डडन डोरा करके एक जगह है, और हम तो वहाँ जाने के लिए निकले थे, तो देखते कैसा रहता है। तो एक काम करते हैं अपने जैकेट वैकेट निकाल लेते हैं, लेके तो आए थे कुछ तो है। जब शोले से हम निकल गए डडल दूरा के लिए, और भाई साहब देखो हमने टुक टुक कर लिया, पहाड़ों में टुक टुक चल रहा, कमाल की बात है यार, हमारे यहाँ नहीं चलते पहाड़ों में टुक टुक भैया जी, यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखी मैंने भाई, यहाँ पे ना टुक टुक लेडीज भी चलाती हैं, हम लोग
कल महेंद्र नगर में थे, वहाँ पे एक आंटी टुकटुक चला रही थी। भाई साहब देखो सनसेट भी होने लग गया, वैसे तो समझ में नहीं आएगा लेकिन ऑरेंज ऑरेंज सी ना रोशनी से समझ में आ रहा होगा आपको, मेरे को तो दिख रहा है यहाँ से क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। और ये सामने आगे डडलदूरा आपको गांव दिख रहा है क्या उस तरफ? भाई साहब हम डडलदूरा पहुँच गए और नेपाल में भाई साहब अभी कितनी ठंडा इस जगह पे, यहाँ पे देखो अभी भी ना कुछ लोग आग जला के यहाँ पे आग ताप रहे हैं, इतना ठंडा है इधर। हम भी थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं भाई यहाँ पे। भाई साहब बहुत ठंडा हो रहा है इधर तो, ऐसे ठंडा रहता है इधर? इधर ऐसे क्या बर्फ डालने में, बर्फ किस टाइम पड़ता है इधर? किस टाइम तो ये नहीं पड़ता है, टाइम चला गया। चलो भाई अभी रोहित गया उधर सामने होटल में पता करने के लिए रूम का, और भाई साहब आग के आगे तो बड़ी राहत सी मिल रही थी यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नहीं होता दिसंबर जनवरी जनवरी और फरवरी वाली ठंडी, वैसे वाली ठंडी हो रही है यहाँ पे। और हमारे पास कुछ कपड़े नहीं है तो कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे अगर यहाँ पे रुकना है तो। और भाई साहब सामने देखो यहाँ के मंदिर ना ऐसे हैं जैसे प्रेयर फ्लैग लगे होते थे ना बुद्धिस्ट मंदिर में, यहाँ पे भी ऐसे रंग बिरंगे फ्लैग लगे हुए हैं सारे मंदिरों में ऐसे कलरफुल। तभी ना एक सीन हमारे साथ ये भी हो गया कि ना हमने ना ब्यूटेन के ना 3-4-5 सिलेंडर लेके आए हैं लेकिन बर्नर लाना भूल गए, तो हम पता करते हैं यहाँ पे अगर बर्नर वगैरह मिल जाए तो कुकिंग वगैरह भी खुद हो जाएगी, बाकी अगर कैंपिंग वैम्पिंग का भी सीन रहा तो भी कर सकते हैं। यहाँ नहीं है ओके तो। डडलदूरा में पहुँच के ना हमने एक होम से ले लिया, और इतनी खूबसूरत लोकेशन है ना भाई ये, मैं मतलब जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझे लगा नहीं था कि इतनी खूबसूरत जगह होगी, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल ऑफ बीट है यार। मतलब अगर अपने इंडिया में कोई ऐसी जगह होती ना तो बहुत कमर्शलाइज हो जाती, बहुत क्राउड आता, लेकिन ये नेपाल में और काफ़ी अंदर है। मतलब जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे ना हमें तो ऐसा लगता किसी दूसरे देश जा रहे हैं, और आना वर्थ ही है क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है यार। अभी अभी ना सनसेट हुआ है यहाँ से, मैं आपको दिखा नहीं पाया, इतना खूबसूरत लगा ना भाई, ऐसी जगह नहीं है मतलब इंडिया में, तो मतलब ऐसी जगह हैं लेकिन वो ऐसी ये ऐसी जगह ना जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना, तो उस हिसाब से जगह बहुत खूबसूरत लग रही है। और भाई नीचे ना जैसे क्या है कि ये पहाड़ है और हम भी पहाड़ पे हैं, और नीचे ये देखो प्लेन है बिल्कुल ये, और काफ़ी बड़ा सा मैदान है, मैदान में भी गाँव बसा हुआ है और कोई नदी नहीं है, बस खेती खेती है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये पूरा नीचे डडलदूरा गाँव है भाई, वैसे तो ये गाँव ही होगा ना पहले, अब धीरे धीरे करके काफ़ी बस गया है, काफ़ी बड़ा फैल गया है, यहाँ का आसपास का सबसे बड़ा बाजार है। और यहाँ से 65 किलोमीटर आगे ना धारचूला है, फिर वहाँ से आगे बॉर्डर इंडिया पड़ जाता है, 65 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ से चाइना बॉर्डर भी लग जाता है, तो शायद हम लोग वहाँ भी जाएंगे कल, शायद हम लोग धारचूला जाएंगे और फिर वहाँ से आपको इंडिया भी दिखाएंगे, और ऊपर अगर परमिशन मिली चाइना की तरफ जाने की, चाइना बॉर्डर देखने की, तो वहाँ भी जाएंगे। और भाई साहब ये है हमारा आज का रूम, क्या बात है, कैसा है रूम? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, साफ सुथरा, अच्छी बात है, है ना। ये रूम है मतलब लगभग 450 रुपए का हमको मिला इंडियन करेंसी में, 700 रुपए नेपाली करेंसी में, एक बेड इधर लगा हुआ है, एक बेड इधर लगा हुआ है, और आज हमें अपना एक्सटेंशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटेंशन यहीं पे है। भाई जी और कुछ मिलेगा हमें रूम के साथ में? नहीं यार नहीं मिलेगा। हाथ धोने का साबुन, शैम्पू? साबुन तो है। अच्छा साबुन है। तुम्हारा नाम क्या भाई? मेरा नाम प्रकाश। तुम ऐसे ढीले ढीले क्यों हो? नाश्ता नहीं किया क्या? तबियत खराब है? ऐसी हिंदी नहीं बोलते हो क्या? ये आप ही का होटल होगा? हाँ। ये आप यहाँ काम करते हो? हाँ। काम करते हो आपका? नहीं काम करते हैं। अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? मैं नजीक। अच्छा अच्छा ओके। आपको हिंदी नहीं आता है क्या ढंग से? नहीं, इसलिए आप थोड़ा हल्का हल्का बोल रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश विकास, क्या बात है। प्रकाश को मिल गया विकास, धन्यवाद। चलो तो ये हम लोग अपने होम स्टे से निकल के थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा बाजार घूमते और खाना पीना खा के निकलते हैं, क्योंकि अभी जिस होम स्टे में हम रुके हैं वहाँ पे बस रुकने रुकने का है, खाने पीने का सीन नहीं है, तो खाना पीना बाहर से खा के जाना पड़ेगा। और ऐसा दिखता है भाई सब ये कुछ बाजार इस तरीके से, आधा बाजार तो वैसे बंद भी होने लग गया है। सब अपने होम स्टे से निकल के हम थोड़ा सा आगे आ गए और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ खाते हैं। अंकल जी क्या क्या मिलेगा खाने में? खाने में यहाँ नाश्ता मिलेगा, फास्ट फूड मात्र सिर्फ। फास्ट फूड मात्र? फास्ट फूड में क्या क्या आपके पास? चिकन राइस है, चिकन चाउमिन है, मोमो है, और वो ऐसे चीज़ें। मोमो नॉन वेज है? वेज, नॉन वेज में। नॉन वेज में चिकन ही है ना? हाँ मोमो सही से ना, चिकन है ना? मोमो खलास हो गए, चाउमिन हो गए, खलास हो गए। हाँ चिकन खलास हो गए भाई, मोमोज चिकन चाउमिन। तो चलो ऑर्डर कर दिया, बैठ के खाते हैं। और यहाँ पे देखो भाई साहब रेस्टोरेंट में आपको दारू भी मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ अंकल जी ये क्या रखा हुआ है? बियर की बोतल है क्या? नहीं सॉस है, सॉस। अच्छा सॉस रखी हुई है ऐसे कांच की बोतल में? मुझे लगा बियर रखी हुई है आपने। नहीं सॉस है, सॉस, टमाटर सॉस।
नहीं बियर नहीं, बियर कहाँ पीते हैं हम? नहीं पीते नहीं, शरीफ शरीफ। अच्छा ये बियर है आपके यहाँ की? गाड़ी भी मिलता है क्या? चड्डी में गड्डी वाला ऑफर इसमें? इसमें होगा क्या मालूम है या नहीं। और वर्जिन लोगों के लिए वर्जिन दारू। तो भैया जी अपना ये आ गया चाउमीन और फ्राइड राइस। तो अभी तो ये बताओ, जैसे आप लोग ये दारू बेचते हो और दुकानों पे, आपको लाइसेंस लेना होता है इसका? लाइसेंस लगता है? तो भाई सब आजकल ना हमने खीरे खाना स्टार्ट किया रात में, लेकिन होता क्या है ना, हम लोग खीरे वगैरह तो लेके आ जाते हैं, फिर याद आता है कि हमारे पास ना कुछ चाकू वगैरह नहीं है उसको काटने के लिए। तो अभी हमने एक चाकू ले लिया ताकि खीरे वगैरह फ्रूट वगैरह हम आराम से काट लें और नाइट में अपना जो डाइट है ना वो मेंटेन रखें। और दूसरा भाई साहब चाट मसाला ले लिया और टूथपेस्ट ले लिया और फेस वॉश ले लिया। भाई जी नमक मिलेगा? नमक मिल जाएगा। डिब्बी डिब्बी डिब्बी, वो जो डिब्बी आप ढूंढने गए थे मिली? नहीं मिलेगी भैया। आजकल ना यही सही ऐसे ही चल रहा है, खीरे हमने ले लिए हैं और बाकी अंगूर ले रहे हैं। रात के टाइम पे खीरे और अंगूर ही खा रहे हैं दबा के, बाकी संतरे भी अपने पास में। केले क्या रेट है? केले क्या दिए? 140 रुपए दर्जन। चलो भाई अपने रूम में हम लोग वापस आ गए। खाना वगैरह वैसे हमने खाया नहीं है, हल्का फुल्का से नूडल्स वगैरह खा लेते हैं। वैसे सुबह भी कुछ नहीं खाया था, सुबह बस समोसे खाए थे छोले में डाल के, और आज का दिन भी हमने ऐसे ही सर्वाइव कर लिया। अब हम फ्रूट्स लेके आए हैं, कुछ संतरे हमारे पास में, कुछ केले हमारे पास में, और अंगूर वगैरह हम लेके आ गए, केले वगैरह लेके आ गए, यही खाएंगे रात में और सोते हैं। और इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, आपसे कल मॉर्निंग मिलेंगे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट कर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो अपने भाई का चैनल कमक कर इंडियंस। बाय।